हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनीत सिंह एंड स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 में। गाइस, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं गाइस हम लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि जो TGT आपका जो KVS है, वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। तो गाइस, आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके का प्रीवियस ईयर पेपर आता है और किस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके टेक एज वेल एज नॉन टेक में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग की, ठीक है, सॉरी जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉम्प्रिहेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्शंस दे रखे हैं ना, और यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरर वाले क्वेश्चन है ये भी आप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये भी आपको देखे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो स्टॉपेज एंड टेल टेल, इस तरीके के जो क्वेश्चन है इंग्लिश में आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए कुछ, यहाँ पे जैसे तत्सम तद्भव ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पे जैसे तमस उपन्यास के रचयिता है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो उपन्यास हैं, यानी कि प्लस टू लेवल की यहाँ पे जो चीज़ें वो आपको देखने को मिल रही है ना। अब यहाँ पे देखो, आपका शुद्ध और अशुद्ध ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध है ना, कि यहाँ पे जैसे आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद में यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो आपका सही है आपका, ठीक है। गुणवाचक यानी कि जो ग्रामर है हिंदी का, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी गई हैं। समास देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन समास से पूछा गया है आपका, कि कौन सा समास यहाँ पे नाक कान है ना, इसमें से कौन सा जो समास है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश में, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पे टेक्निकल पार्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके का टेक्निकल पार्ट यहाँ पे दिया गया है। रीजनिंग का पार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका रीजनिंग का पार्ट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना, वही आपके ABCD है ना, अल्फ़ाबेटिकल, कि यहाँ पे किसी भी कोड को कैसे लिखा जाता है, किसी जैसे माय बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या लिखा है इसको, 3, 5, 6। तो यहाँ पे अगला है कि बेस्ट टीचर इज़ बेस्ट फ्रेंड, जो कि होता भी है। तो यहाँ पे इसकी क्या जो डिकोडिंग होगी वो आपसे पूछी गई। तो इस तरीके के जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन भी हैं। सीधे चलते हैं अब यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क है ना, वायरस, हैकर्स, स्पैम, आइडेंटिटी थेफ्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कंप्यूटर का मतलब जो बेसिक ज्ञान है वो आपसे पूछा गया है। अब मैं सीधा ले चलूँगा आपको सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का यहाँ पे जो पेपर है वो कैसा है, कॉमन पेपर है। तो दोनों का सिलेबस भी यहाँ पे कैसा है, कॉमन सिलेबस है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि BJT द एमीटर इफिशियंसी ऑफ ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय। तो देखो यहाँ पे ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट है ना, वही चीज़ें आपको निकालनी है। बाकी के आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, द डिवाइस दैट कन्वर्ट टिपिकल रेडिएशन इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो यहाँ पे LED, सोलर, फोटो डिटेक्टर, पिन डायोड, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। विच वन फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल है ना, तो देखिए सेल्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन, अगर हम यहाँ से इस वाले को देखें तो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है ना, ट्रांजिएंट का थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि जो T > 0 के लिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो आपका पूछा गया है, कि अगर आपका जो स्विच ऐसे क्लोज होगा तो यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी करंट की वो क्या होगी। तो हमें पता है कि जैसे स्विच क्लोज करेंगे और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे काम करता है, फाइनल स्टेट में T = शॉर्ट सर्किट के ऊपर काम करता है ना। तो सीधा यहाँ पे देखिए आंसर जो आप निकाल सकते हैं, दैट इज, तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ AB का होल बार है ना, जो कि सीधा सीधा आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे नॉर गेट दे रखा है, यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम दे रखी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है यहाँ से आप पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप जो सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, भाई पढ़ना है ना, लेकिन क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा हाईफाई न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये सीरीज़ यहाँ पे आपकी जो कॉइल्स हैं, आपकी कॉइल्स को कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है इसका जो आपसे डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट आपका जो पार्ट है वो आपसे पूछा गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन अ सेमी कंडक्टर होल्स एग्जिस्ट है ना, तो देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड है ना, जो फर्मी लेवल है आपका, यहाँ पे इसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं। हाइब्रिड मॉडल यानी कि जो ट्रांजिस्टर के तीन मॉडल होते हैं, हमें पता है लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी, पाई मॉडल, एच मॉडल एंड यहाँ पे आपका जो टी मॉडल है, तीनों मॉडल के ऊपर इसके ऊपर थ्योरी जो है यहाँ से पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस कैसे हैं आपके, थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं, थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस है किया गया है। इसकी जो पीडीएफ है पूरा पेपर मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ से एक आपको रिव्यू देना था किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। एंड गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते रहिए। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे KVSTGT में अगर आप यहाँ पे गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंजीनियर सड्डा पे, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे देखिए KVSTGT का जो बैच है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को किस तरीके से इनरोल करना है वो बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बताते हैं। सबसे पहले अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, उसके बाद ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, वहाँ पे गेट एंड इंजीनियर सेगमेंट दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर लेना है, उसके बाद वहाँ पे बैच दिख जाएगा आपको KVSTGT, उसके बाद KVS लिखा होगा। अब वहाँ पे एक भारी भरकम सा प्राइस लिखा होगा, वो प्राइस आपको यहाँ पे कतई पे नहीं करना है, आपको किस में जाना है, सी ऑफर्स में जाना है। और वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज़ करना है Y433, ये कोड यूज़ करना है। ध्यान रहे ये कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी गाइडलाइन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों को बताना चाहूँगा कि आज चल रहा है आपका डबल वैलिडिटी, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या चल रहा है, यहाँ पे डबल वैलिडिटी महापैक में डबल वैलिडिटी चल रहा है, तो आप महापैक में इनरोल करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500 रुपये का फ़र्क आता है महापैक में और इसमें टारगेटेड बैच में। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चाहें तो आप भी यहाँ पे महापैक में इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा यहाँ पे ये जो बैच है इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे ये जो कोड है क्या यूज़ करना है, Y433, और ये कोड जो है अगेन मेरी गाइडेंस और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ज़रूरी है। महापैक में देखिए आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ में पूरा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो मिल जाता है, टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाती है, यानी कि ऑल इन वन पैक में मिल जाती है। अगर और भी कोई आप लोगों की क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन करके। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़।